एक बर्फीली पहाड़ के पास एक छोटे गांव में रॉबर्ट नाम का एक धनवान माता पिता पत्नी मेरी बच्चे टोनी रोजी के साथ जीता था। उनके पास महंगा बंगलो कार वगैरह सब था। उनके घर पर कैथी नाम की कामवाली काम करती थी। कैथी का पीटर नाम का एक बेटा था। बचपन में एक हादसे की वजह से उसके पैर चले गए थे तो वो एक लकड़ी की मदद से चला करता था। कैथी का पति गुजर गया था इसीलिए कैथी की परेशानियां शुरू हो गई थी। पीटर को पढ़ा नहीं सकी उसके लिए वो उसको अपने साथ ही काम पर ले जाने लगी। पीटर वहाँ कार धोना पेड़ में पानी डालना ऐसे सब करने लगा। टोनी रोजी पैसे होने की वजह से बहुत घमंडी थे इसीलिए हमेशा पीटर को डांटते थे मारते थे सताते थे। वो देखकर रॉबर्ट का पिता उन्हें समझाकर यूं करना बुरी बात है यूं कहता लेकिन वे उसकी बात कभी नहीं सुनते थे। तब वो बेटा पीटर रो मत कुछ मत समझो वे भी तुम्हारे तरह छोटे बच्चे हैं समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा ठीक है ना कहकर उसे समझाता था। एक बार क्रिसमस का त्योहार आया रॉबर्ट के घर पे एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री तैयार करके पूरा घर अच्छे से सजाकर बच्चों 4 दिन में क्रिसमस आने वाला है जानते हो ना तुम लोगों को क्या करना है यूं कहा तो टोनी ओ क्यों नहीं जानेंगे डैडी हमारी सारी इच्छाएं पेपर पर लिखकर वो पेड़ के नीचे रखेंगे तो सांता क्लॉस अंकल जी वो सब गिफ्ट की तौर पर हमें देकर जाएंगे ये मैं अभी ही मेरा विश लिस्ट तैयार करता हूँ यूं कहा रोजी सांता क्लॉस अंकल जी तो मुझे भी पसंद है हम जो मांगते हैं वो लाकर दे देते हैं मैं भी लिस्ट लिखूंगी बोली। ये सब सुन रहा रॉबर्ट पिता की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगा तो वो भी मुस्कुराए। फिर दोनों बच्चे अपने विश लिस्ट को लिखकर पेड़ के पास रख रहे थे कि वहाँ पीटर आया। ये सब उनके दादा वहीं बैठकर देख रहे थे। पीटर टोनी मेरा विश लिस्ट भी सांता क्लॉस अंकल जी पूरा करेंगे क्या मैं भी यहाँ विश लिस्ट रख सकता हूँ क्या यूं पूछा। तब टोनी तुम्हारा विश लिस्ट यहाँ रखने के लिए ये तुम्हारा घर थोड़ी है और ये पेड़ तुम्हारा नहीं है तुम्हारे औकात को अब विश लिस्ट अब बाबा बाबा जाओ वहाँ यूं कहा तो रोजी सांता क्लॉस अंकल जी तुम्हारे जैसे गरीबों के विश लिस्ट पूरे नहीं करते हम जैसे अमीरों के विश लिस्ट ही पूरे करते हैं तुम्हें शक है तो तुम्हारे घर के पास पेड़ रख कर खुद देख लो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो आएंगे या नहीं यूं बोली। इससे बेचारा पीटर जाने लगा तो टोनी के दादाजी दुखी होकर उसकी ओर देखने लगे। अगले दिन घर से बाहर आए पीटर को घर के सामने क्रिसमस ट्री रखा नजर आया। आश्चर्य होकर पीटर उसके बारे में माँ से पूछा तो वो बोली कि उसे कुछ नहीं पता इस बारे में। क्रिसमस के एक रात पहले पीटर अपने विश लिस्ट को लिखकर पेड़ के नीचे रखा। वो रात को किसी तरह जाग गया और घर से बाहर आकर देखा तो वहाँ सांता क्लॉस 2 बड़े-बड़े पोटली पकड़े हुए नजर आए। पीटर अरे सांता क्लॉस अंकल जी मैंने तो सुना आप सिर्फ अमीरों के घर जाते हो लेकिन गरीबों के घर पे भी आप आते हो बहुत खुशी हुई यूं कहा तो सांता क्लॉस ऐसा कुछ नहीं है पीटर मेरे लिए सब एक ही है त्योहार के दिन सब खुश रहे यही मैं चाहूँगा कहते हुए एक पोटली को हिलाए तो उसमें से कई सारे खिलौने नीचे गिरे। एक और पोटली को हिलाए तो बहुत सारे पैसे नीचे गिरे। सांता क्लॉस बेटा ये पैसे तुम्हारी माँ को दो और अच्छी जिंदगी जियो मैरी क्रिसमस कहकर वहाँ से निकल गए। सांता क्लॉस वहाँ चलते हुए आए और रॉबर्ट के घर के पेड़ के नीचे गिफ्ट सब रख कर एक रूम में गए। वो ड्रेस खोला तो वो निकले रॉबर्ट के पिता। वे दीवार पर लगी यीशु की मूर्ति से जीसस आज हमारा घर के बच्चों की ख्वाहिश के साथ साथ वो पीटर का ख्वाहिश भी पूरी कर पाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये त्योहार सबके लिए खुशियाँ लाएगा। मेरे जमा किए पैसे ऐसे 4 लोगों की मदद में आए ऐसा मौका मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आमेन यूं कहा